कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय बाढ़ प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया है। अंबाला रेंज कमिश्नर रेनू फोलिया ने शिविर में महिलाओं की उपस्थिति नहीं होने पर नाराजगी जताई है। कमिश्नर ने कहा है कि इस तरह से शिविरों का बेहद अहम महत्व होता है, इस तरह के शिविरों का, क्योंकि यहां से प्रशिक्षित लोग आपदा और बाढ़ जैसे अवसरों पर लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। वहीं उन्होंने इस शिविर में किसी महिला अधिकारी कर्मचारी के न होने पर कहा है कि जब महिलाओं की संख्या पुरुष के बराबर हो चुकी है तो उन्हें भी ऐसे शिविरों में आना चाहिए, जिसके लिए वो सरकार से अनुरोध करेंगी और पत्र भी लिखेंगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां महिला की उपस्थिति न होने पर कमिश्नर रेनू फोलिया ने नाराजगी जताई है। उन्होंने उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का, वही महिलाओं की उपस्थिति न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। बाढ़ प्रशिक्षण शिविर का ये उद्घाटन किया गया है। सबका यहाँ प्रशिक्षण शिविर में स्वागत करती हूँ। मैं एफसीआर साहब को लेटर लिखूंगी कोई भी महिला प्रशिक्षण शिविर में आती और क्योंकि बहुत महिलाओं की उपस्थिति अब बहुत ज़्यादा हो गई है सारे डिपार्टमेंट में, ट्रक से लेकर के ऊपर। मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी करें, क्योंकि महिला हर काम कर सकती है। वोट चलाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि महिला। आपकी पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, बद्रीनाथ की तबाही हो या यमुना के अंदर पानी आ गया, वो भी आपकी घटना में फिक्र है। खासतौर पर क्या रहेगा कि महिलाएं आप हर क्षेत्र में आ गए, महिलाओं को भी सिखाएं? हाँ देखो, वोट चलाना कोई बड़ी बात नहीं है।